हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी जेई के रीजनिंग के बारे में। टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और आज कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 4 है। जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 4 डायरेक्ट देख रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखो, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 है, तो हम लोग देखते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में उन लोगों ने किस तरीके का क्वेश्चन लिया है और किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटेन एज XDJMNL, हाउ विल टाइगर बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले आपको मंकी का कोड बता दिया है कि मंकी को उसने लिखा है XDJMNL। अब आप लोग पहले ये बताओ कि उसने मंकी को किस तरीके से कोड किया है। मंकी को उसने क्या लिखा है, आपका कोड है MONKEY, मंकी है, और उसने इसको कोड किया है XDJMNL। मंकी दिया हुआ है, उसने मंकी को कोड किया है XDJMNL। अब बताओ कि उसने किस तरीके से कोड किया, क्या M और X में कोई रिलेशन दिख रहा है। अगर सामने की बात कर रहे हैं तो क्या आपको M और X में कोई रिलेशन दिख रहा है, O एंड D में कोई रिलेशन दिख रहा है, N एंड J में कोई रिलेशन नहीं ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स मंकी का रिवर्स देख लेते हैं। तो Y है, अगर Y का रिलेशन हम लोग X के साथ देखे तो क्या लग रहा है ना कि हाँ कोई रिलेशन है। मीन्स अगर Y का 25 है तो पता है कि X का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में, 24 होता है। E का अगर पोजीशन 5 है तो D का 4 होता है। K का पोजीशन 11 है तो J का क्या है, 10 है। N का पोजीशन 14 है तो M का क्या है, 13 है। O का पोजीशन 15 है तो N का पोजीशन क्या है, 14 है। M का पोजीशन 13 है तो L का पोजीशन क्या है, 12 है। हो क्या रहा है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मंकी को क्या किया है कि उसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है और सारे में से वन पोजीशन माइनस कर दिया। अगर Y लिखते हैं तो Y माइनस वन करते हैं तो X आता, और X का 24। उसने फिर E को रिवर्स किया है, यानी E और E का एक कम यानी D आया, K का J, N का M, O का N एंड M का L लिखा है। तो क्या अब अगर हम लोग ये कोड समझ गए कि उसने रिवर्स करके माइनस वन सारे में किया है, तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, टाइगर में करेंगे। तो TIGER आपका वर्ड है टाइगर। टाइगर को क्या, टाइगर का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, REGINT रिवर्स हो गया। अब देखो सारे का पोजीशन आपको पता है कि R मैंने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स से क्या है तो सारे एक कम होंगे, तो R से एक कम क्या होगा, PQR होता है यानी Q। E का कम क्या हो जाएगा, D। G का कम क्या हो जाएगा, F। I का हो जाएगा, H। एंड T का हो जाएगा, S। यानी आपका आंसर क्या आ गया, तो QDFHS means option number D is the right answer। देखो आप लोग को समझाना है, इसलिए एकदम बेसिक बिगनिंग से शुरू करके एक ही पॉइंट बता रही हूँ कि किस तरीके से किसी भी वर्ड को डिकोड किया गया है, ठीक है। अगर एक बार अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजिली बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ फ्लेयर इज कोडेड एज 21, 15, 26, 9, 22, देन हाउ वुड ब्रीफ बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अगर FLAR को, फ्लेयर को उसने कोड किया है किस चीज में, 21, 15, 26, 9 और 22 में, क्या ऐसा लग रहा है कि ये कोड बिल्कुल सही है। उसने क्या किया है, देखो FLARE फ्लेयर है, उसको उसने कोड किया है 21, 15, 26, 9 और 22। चलो
देखो आई थिंक सबको अगर ए बी सी डी का पोजीशन याद होता है तो वो लोग सब क्या करते हैं कि 1, 2, 26 सब याद रखते हैं। लेफ्ट टू राइट सबको याद होता है, लेकिन राइट से लेफ्ट किसी को याद नहीं होता है, मींस ए से लेके जेड तक। यहाँ क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का 3 रूल आप लोग याद रखना। ए से जेड 1, 2, 26 एंड एक बार रिवर्स ऑर्डर में 1, 2, जेड। ठीक है, मींस हर एक लेटर, मींस अगर ए का लेफ्ट टू राइट ए से जेड है तो आप लोग एक बार राइट टू लेफ्ट भी ए से जेड आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, एफ का पोजीशन उसने 21 किस तरीके से किया, एल का 15 है, ए का 26 है, आर का 9 है, ई का 22 है। दरअसल ये जो आपको पोजीशन गिवेन है ये आपको रिवर्स ऑर्डर में गिवेन है। सबको पता है कि ए का पोजीशन 1 होता है, तो उसने क्या किया है कि ठीक रिवर्स कर दिया, यानी 26 कर दिया है। बी का 2 होता है तो उसको लिखा है 25। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये कोड पता चल गया तो आप लोग क्या बता सकते हो कि ब्रीफ का क्या होगा, तो बी आर ई आई एफ। ठीक है, देखो कितना इजीली बन रहा है। बी का आपको पता है कि 2 होता है, यानी बोल सकते हैं किसका 25 होगा। आर का कोड देखो, आर का कोड यहाँ पे 9 है, 9 होगा। ई का कोड 22, 22 होगा। आई का कोड, आई का 9 पोजीशन पता है कि लेफ्ट से राइट 9 होता है, तो क्या बता सकते हैं कि राइट से लेफ्ट में क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। एफ का क्या है, तो 21 है। 25 है, 9, 22, 18, 21, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये सब क्वेश्चन अगर आज आपको राइट से लेफ्ट की तरफ याद रहता, मींस ए से जेड अगर याद रहता, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है राइट से याद करने में, तो उसका एक शॉर्टकट है। आई थिंक सबको लेफ्ट से राइट याद होता है, मींस अगर ए बी सी डी, ठीक है, ये अगर जेड तक है, 1 से लेके 26 सबको याद होता है। अगर रिवर्स ऑर्डर में किसी का पोजीशन पूछा जाए, मींस अगर सी का पोजीशन आपको लेफ्ट से पता है कि 3 होता है और पूछा जाए कि राइट से क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लोग 27-3 कर देना और बोल सकती हो कि उसका पोजीशन राइट से 24 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका सिंबॉल कोडिंग डिकोडिंग है, मीन्स सिंबॉल का यूज हुआ है। इन अ सर्टेन कोड डाउन इज रिटेन एज 5@9# एंड नेम इज रिटेन एज #6%3। हाउ वुड मोड बी रिटेन इन दैट कोड। सबसे पहले आप लोग डाउन का कोड देखो एंड नेम का कोड देखो किस तरीके से उसको कोड किया गया। डाउन को लिखा है 5@9#, नेम को लिखा है 6% और 3। एक चीज नोटिस करो, हैश आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और हैश यहाँ पे भी दिख रहा है। हैश का मतलब यानी एन, मींस अगर इस वर्ड में एन लास्ट है तो उसके कोड में देखो कि हैश लास्ट है। ओके, इसी तरीके से दूसरे कोड में अगर एन फर्स्ट में है तो हैश भी फर्स्ट में है, तो इजिली बता सकते हैं कि एन को उसने हैश से डिनोट किया है। अगर n को हैश से डिनोट किया है, n लास्ट पोजीशन पे है, हैश लास्ट पोजीशन पे है, तो आप लोग इजिली बता सकते हो कि उसने d को 5 से कोड किया है, o को @ से कोड किया है और w को जो है उसने 9 से कोड किया है। सेम एज 9 को अगर हैश से कोड किया है तो a को क्या किया है 6 से, m को क्या किया है परसेंटेज से एंड e को क्या किया है 3 से। ठीक है, ये आप लोग इजीली समझ गए। अगर समझ गए तो आपसे पूछा जा रहा है मोड का कोड बताने के लिए कि एम ओ डी ई का क्या होगा। तो देखो एम को उसने किस चीज से किया है, तो परसेंटेज से। ओ को किस चीज से किया है, तो @ से। डी है 5 से एंड ई का कोड किया है 3 से, मींस %@53 %@53 मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनरली ये सब क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लिख के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज suffer is written as 5@3#2 and write is written as 2 copyright % has, how would
fits be written in that code. सफर को उसने क्या लिखा है, 5@3 हैश 2, और राइड को क्या लिखा है, 2 कॉपीराइट परसेंटेज एंड हैश. एक चीज आप लोग नोटिस करना, हैश यहाँ पे भी गिव है ना और हैश यहाँ पे भी गिव है ना. यहाँ देखो हैश कौन से पोजीशन पे है, तो सेकंड लास्ट है, यानी सेकंड लाइन लास्ट क्या है, तो ई है, यानी ई को उसने हैश से डिनोट किया है. ठीक है, ई को उसने हैश से डिनोट किया है. सेम एज राइड का लास्ट लेटर क्या है, ई है, और हैश भी क्या है, लास्ट है. यानी इस दोनों कोड से हम लोग बता सकते हैं कि जिस तरीके से आपका सफर में लेटर गिवन है, मींस एस ए एफ ई आर, उसी तरीके से कोड उसने रिस्पेक्टिवली दिया है, मींस 5@3 #2, मींस एस का 5 होगा, ए का @ होगा, F का 3 होगा, E का हैश होगा एंड R का 2 होगा. उसी तरह राइड में R का 2 होगा, I का कॉपीराइट होगा, D का परसेंटेज होगा एंड E का हैश होगा. तो अब आपका पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फिट्स का कोड क्या होगा, F का क्या होगा, E का क्या होगा, D का क्या होगा एंड S का क्या होगा. F देखो, F E D S, F E आपका यहाँ पे है, यानी इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा हैश. और डीएस पूछा जा रहा है, देखो आपका डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका, तो परसेंटेज है. एंड एस पूछा जा रहा है, एस का क्या है, तो 5 है, यानी 3 has % 5. 3 has % 5 means ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग किस तरीके से प्रोसीड करोगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट रिटेन एज 318 एंड चेयर इज रिटेन एज 24156, देन हाउ टीचर बी रिटेन इन दैट कोड. इट को उसने लिखा है 318 और चेयर को लिखा है 24156. अब देख लो कि दोनों के कोड में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है. यहाँ 318 है, यहाँ पे 24156 है, मीन्स यहाँ पे 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है. अगर इसमें 1 कॉमन है तो 1 को क्या लिखा है, ए लिखा है, एंड चेयर में भी ए कॉमन है. यानी जिस तरीके से वर्ड में ए बीच में है, उसी तरीके से उसके कोड में भी 1 बीच में है. चेयर में ए बीच में है, यानी 1 बीच में है. आई थिंक वो क्या किया है कि ए का कोड किया है 1. अगर ए का कोड 1 किया है तो हम लोग बता सकते हैं कि ई का कोड हो जाएगा 3 एंड टी का कोड हो जाएगा 8. इसी तरीके से चेयर में देख सकते हो, सी का 2 हो जाएगा, एच का 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आई का 5 हो जाएगा एंड आर का 6 हो जाएगा. पूछा क्या जा रहा है, टीचर का कोड पूछा जा रहा है आपसे कि टीचर का कोड क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले देखो आपका टी है, टी का क्या है तो 8 है, E का क्या है 3 है, A का हो जाएगा 1. CH पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो CH है, यानी 2 एंड 4 एक साथ हो जाएगा. ER, E का 3 है और R का देखो कहाँ है, R का लास्ट ये है, यानी 6. 8 3 1 2 4 3 6 मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. ओके, देखो जितना भी क्वेश्चन आप लोग के जितने भी लेक्चर में करा रही हूँ, सारा मिक्स टाइप आप लोगों को करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी टाइप है, रेलवे से रिलेटेड हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, या आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, किसी तरीके का एग्जाम हो, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आना. ठीक है, इसलिए हर सेट में हर तरीके का क्वेश्चन आप लोग को करवा दे रही हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कैट इक्वल्स टू 12 देन मैन इक्वल्स टू. अगर कैट को उसने 12 लिखा है तो बताना है कि मैन को क्या लिखेगा. अब ये बताओ कि कैट को उसने किस तरीके से 12 लिखा है, कोई एंगल अभी पता नहीं चला, तो क्या इसको हम लोग पोजिशन बता सकते हैं. कैट में सी का पोजिशन क्या होता है 3, प्लस करते हैं ए का 1, प्लस टी का 20 होता है, तो ये क्या हो गया 24. 24 आया और आंसर दे रहा है 12. अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये कोड मुझे पता चल गया कि उसने क्या किया है कि कैट में जितने भी लेटर हैं सबके पोजीशन को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया. तो यही चीज क्या आप मैन में कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं. मैन में एम का 13 प्लस ए का 1 प्लस एन का 14 होता है, 13 13 26 27 28, मीन्स 28 और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14,
मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। देखो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एनालॉजी का, अगर कैट का रिलेशन 12 के साथ है तो मैन का रिलेशन क्या होगा, तो मैन का रिलेशन 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीके का आपका कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है। तो आप लोग देख लेना हर तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सर्टेन कोड न्यू बैंकिंग सिस्टम्स इज कोडेड एज SHTPN, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म इज कोडेड एज ORMUAT, न्यू बैंक ऑफिसर इज कोडेड एज RBKNA एंड सिस्टम इन बैंक इज कोडेड एज BKATSS। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द कोड BK। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन या इस तरीके का फॉर्मेट या इस तरीके का पैटर्न का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हर एक वर्ड का कोड करने का आप लोग कोशिश मत करना। मीन्स न्यू बैंकिंग सिस्टम, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, न्यू बैंक ऑफिसर एंड सिस्टम इन बैंकिंग, इतने सारे वर्ड को कोड करने की कोशिश मत करना गलती से भी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेप्स होगा आप ही का। क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, ओनली इतने के बारे में आप लोग को थिंक करना है। मीन्स पूछा क्या जा रहा है कि बीके का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि आपका बीके कौन से स्टेटमेंट में, SHTPNA यहाँ नहीं है, ORMUAT यहाँ भी नहीं है, ORBKNA आपका बीके यहाँ है और बीके आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर देखो बीके जहां पे गिव है ना, मीन्स अभी मुझे न्यू बैंकिंग सिस्टम एंड ऑफिसर इन यूनिफॉर्म इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को छोड़ दो। ओके, लेना किससे है, तो न्यू बैंक ऑफिसर एंड सिस्टम इन बैंक से। दोनों के कोड में देखो और BKNA BKATSS दोनों के कोड में आपको बीके कॉमन है। अगर आपको कोड में बीके कॉमन है तो इस दोनों के स्टेटमेंट में भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है न्यू बैंक ऑफिसर एंड सिस्टम इन बैंक, तो एक वर्ड आ रहा है बैंक जो कि दोनों में कॉमन है, तो क्या बता सकते हैं कि बीके का मतलब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बैंक। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जनरली रेलवे का फेवरेट है, बहुत पूछता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि जितना कम टाइम में हो उतना जल्दी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। मुझसे सिर्फ बीके पूछ रहा है, मैंने बीके को देखा, दोनों सेंटेंस में या दोनों स्टेटमेंट में आपका बीके कॉमन है। अगर दोनों के कोड में बीके कॉमन है तो दोनों के स्टेटमेंट में भी कुछ तो कॉमन होगा, तो दोनों के स्टेटमेंट में बैंक कॉमन है, यानी बीके का बोल सकते हैं कि बैंक जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जहां ट्रिक का यूज होगा मैं ट्रिक जरूर बता देती हूँ, जहां पे लॉन्ग मेथड का यूज होगा तो वहां लॉन्ग मेथड बताऊंगी, जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज होगा वहां पे शॉर्ट बता दूंगी, किस तरीके से ऑप्शन को आप लोग को चूज करना है। ठीक है, जहां क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाले होते हैं तो वहां मैं ऑप्शन भी आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरीके से ऑप्शन को छांटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ अर्थ इज कोडेड एज 41590 एंड पेल एज 2134, व्हाट इज द कोड फॉर पर्ल। पर्ल का उसने कोड पूछा है, तो पर्ल का कोड करने से पहले आप लोग अर्थ एंड पेल का कोड देखो। अर्थ को उसने लिखा है 41590 एंड पेल को लिखा है 2134। 1 और 4 आपको कॉमन मिल रहा है, 1 और 4। देखो यहाँ पे 1 और 4, ई को उसने 4 लिखा है एंड ए को उसने 1 लिखा है। सेम एज ए, देखो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे 1 है एंड फोर्थ प्लेस पे ई है तो फोर्थ प्लेस पे 1 है। सेम एज अगर ई 1 प्लेस पे है तो ई को देखो यहाँ पे 4 लिखा है फर्स्ट प्लेस पे एंड ए को लिखा है सेकंड प्लेस पे ए, यानी बोल सकते हैं कि ई का कोड हो जाएगा 4 एंड ए का कोड हो जाएगा 1। इस दोनों के कोड को हम लोग देख के बता सकते हैं कि जिस तरीके से आपके वर्ड गिवेन है उसी तरीके से आपके कोड गिवेन है। मीन्स ए का 4 है, ए का 1 है, आर का 5, टी का 9 एंड एच का 0। उसी तरीके से पेल का पी का 2, ए का 1, एल का 3 एंड ई का 4 है। अगर दोनों के कोड से हम लोग आइडिया लगा लिए कि किस तरीके से कोड किया गया है तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि पी ई ए आर एल पर्ल का कोड क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे
सिंपली एल है, एल लास्ट है, एल का कोड क्या है 3 है, ठीक है। ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, मींस डायरेक्ट एक ऑप्शन में 3 है, यानी डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो अगर जहां पे आपको ऑप्शंस डिफरेंट दिख रहे हैं तो आप लोग एक वर्ड या दो, एक लेटर या दो लेटर से आप लोग इजिली आंसर पिकअप कर सकते हो। अगर नहीं सारे ऑप्शन सेम दिख रहे हैं तो आप लोग पूरा निकालने की कोशिश करना, ओके। अगर बाय द वे अगर यहीं पे आपका एक ऑप्शन ई रहता और बोलता नन ऑफ दीज, तो याद रखना जब तक आप लोग पर्ल को पूरी तरीके से निकाल नहीं लेते तब तक आप लोग कोई भी ऑप्शन पिक नहीं करोगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पुट TIRFIN means delicious juicy fruit, Thai dip sig means beautiful white lily and sig line fin means lily and fruit. What is the code for and? देखो तीन आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, delicious juicy fruit, beautiful white lily and fruit। पूछा क्या जा रहा है कि what is the code for and, आपसे only and का कोड पूछा जा रहा है और and कहाँ पे है, तो and मेरा इस स्टेटमेंट में गिवन है यहाँ पे, और इस and को निकालने के लिए अगर यहीं पे दो स्टेटमेंट में गिवन रहता तब तो हम लोग कॉमन पार्ट निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट में एंड गिवन है, तो एंड को निकालने के लिए मुझे लिली का कोड एंड फ्रूट का कोड पता होना चाहिए। अब देख लो लिली आपका इस स्टेटमेंट में भी है, लिली इस स्टेटमेंट में है, दोनों के कोड में भी कुछ कॉमन जरूर होगा। यहाँ पे देखो कोड क्या है, टाई डिप सिग और इसका है सिग लॉन फिन, यानी सिग का कोड क्या हो गया, सिग का मतलब आपका क्या हो गया, तो वो हो गया लिली, ठीक है। अब देखो क्या बचा, एल ओ एन एंड फिन, फिन देखो आपका इस कोड में है और इस कोड में है, फिन देखो यहाँ पे भी फ्रूट है और यहाँ पे भी फ्रूट है, यानी बोल सकते हैं कि फिन का मतलब क्या हो गया, फ्रूट हो गया। देखो अब इजिली लिली एंड फ्रूट में लिली का कोड सिग, फ्रूट का फिन, तो एंड का क्या हो जाएगा, तो एल ओ एन मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ड्राइवर इक्वल्स टू 12 पेडेस्ट्रियन इक्वल्स टू 20 एक्सीडेंट इक्वल्स टू 16 देन कार का कोड पूछा जा रहा है। ड्राइवर को उसने लिखा है 12, पेडिस्ट्रीन को लिखा है 20, एक्सीडेंट को लिखा है 16 और कार का आपको पूछा जा रहा है। अब किस तरीके से उसने कोड किया है वो देखो, 12 किस बेसिस पे हो सकता है, डी आर आई वी ई आर ड्राइवर, ड्राइवर में टोटल 6 लेटर है और यहाँ पे 12 है, तो हो सकता है कि उसने 6 × 2 किया होगा, मीन्स ड्राइवर में जितने लेटर है 2। इसी तरीके से पेडिस्ट्रेन को 20 लिखा है, पेडिस्ट्रेन को आप लोग अच्छे से देखो इसमें 10 लेटर है, तो उसने किया है 10 × 2 कर दिया है, मीन्स 20। एक्सीडेंट को उसने 16 लिखा है, एक्सीडेंट में टोटल 8 लेटर है, यानी 8 × 2 लिखा है। कोड आप लोग समझ गए होंगे, जो भी वर्ड आपको गिवन है उसने काउंट किया है और 2 किया है। तो क्या हम लोग कार का बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कार में 3 वर्ड है और 2 किया है, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा, तो 6 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट ये आप लोग का होमवर्क रहा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ जाओ। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड न्यू बैंकिंग सिस्टम इज कोडेड एज SHTPNA, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म इज कोडेड एज ORMUAT, न्यू बैंक ऑफिसर इज कोडेड एज ORBKNA एंड सिस्टम इन बैंक इज कोडेड एज BKATSS। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल द कोड SSMU स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस क्वेश्चन का जो भी होमवर्क गिवन है उसका आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बना के, जो भी वीडियो आप लोग देखो तो इस क्वेश्चन को बना के आप लोग कमेंट करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो आज के सेशन का एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं कि किस किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग में था और मैंने किस तरीके से बताया है। देखो जब भी आप लोग वीडियो देखो तो जब भी क्वेश्चन जैसे ही मैं रीड करती हूँ तो आप लोग उसी टाइम वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो, पहले खुद बनाओ और आंसर
इमेजिन कर लो कि आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। उसके बाद आप लोग वीडियो को रिज्यूम करो और देखो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जितना हो सके आप लोग इस चीज में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज किया करो, ठीक है, उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये आप लोग को टोटल कोडिंग डिकोडिंग का 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। हो सकता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को एक मॉक टेस्ट करा दूंगी, ताकि आप लोग जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स हैं आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो, और किसी भी तरीके से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगर जहां से भी अगर आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, एनालॉजी हो, एजम्पशन हो, कंक्लूजन हो, सिलोलिज्म हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन सेंस हो, जो भी बना रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट करो, वहां पे कोई ना कोई जरूर आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं तो ऑलरेडी हूं ही, मैं सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, और ये रहा होमवर्क, तो याद से जो लोग भी वीडियो देखते हो उन्हीं लोग के लिए ये है, कमेंट जरूर करना कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।